हाथरस की एक और बिटिया के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। हाथरस में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और आज उसकी मौत हो गई। दिल्ली एम्स में बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद पीड़ित परिवार ने बच्ची का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार ने अलीगढ़ इगलास पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि मांग पूरी न होने तक बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पूरा मामला कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव जातोई का है। आरोप है कि 6 साल की मासूम के साथ उसके ही मौसेरे भाई ने रेप किया था। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। फिर उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया था। FIR के मुताबिक मृतक बच्ची की माँ की मौत 7 महीने पहले ही हो गई थी। उसके बाद उसकी मौसी उसे अपने यहाँ ले गई। पिता का आरोप है कि 10 दिन पहले मौसी के यहाँ उसके बेटे ने मासूम के साथ दरिंदगी की। इतना ही नहीं, इलाज की जगह उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया। घर के बाहर खेल रहे बच्चों ने जब मासूम के रोने की आवाज सुनी तो शोर मचाया, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से मासूम को अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालत बिगड़ता देख उसे दिल्ली भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी में एक के बाद एक रेप की वारदातों ने योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।